विश्वानि देवस्सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। सृष्टि क्रम के विषय में वार्ता आगे बढ़ते हुए जा पहुंची है। इस समस्त सृष्टि के आधारभूत इस जीव के ऊपर, और इस जीव में भी एक प्रश्न उठ गया कि हम उपासना किसकी करें, उस जीवात्मा की जिसके कारण से यह शरीर प्राण लेता है, श्वसन क्रिया करता है, स्वादु अस्वादु का ज्ञान करता है, इंद्रियां जिससे स्पर्श करती हैं, अपना अपना आहार ग्रहण करती हैं, माने अपने अपने विषयों का जो ज्ञान करने वाली एक शक्ति है जिसके कारण से ये इंद्रियां काम कर रही हैं, क्या वह उपास्य है, अथवा जिसकी हम उपासना करते हैं ध्यान में बैठ करके, कतरस्य आत्मा, वह कौन आत्मा है, इन दो आत्माओं में से वह कौन है जिसकी हमें उपासना करनी चाहिए, तो वे दो आत्मा कौन है। उस विषय में कहा कि यदि हम इस जीवात्मा के इस मनुष्य शरीर के रूप में देखें तो एक आत्मा है, और इस समस्त समष्टि के रूप में देखें तो एक और महान आत्मा का हमें पता चलता है। तो उसी विषय में कहा, जो मनुष्य के शरीर के विषय में बात आती है, उसके शरीर के अंदर जो अंतःकरण आदि है, जो एक चेतना इस समस्त उपाधियों को लेकर के कार्य कर रही है, जिसके कारण से मनुष्य का यह संघात कार्य करता है, उसके विषय में बताया। क्या बताया? कि कोयम आत्मा इति वयम उपासमहे, कतरस्य आत्मा येन वा पश्यति, येन वा शृणोति, येन वा गंधाना जिघ्रति, येन वा वाचम व्याकरोति, येन वा स्वादु च विजानाति। इस प्रकार से प्रश्न किए हैं। तो इन प्रश्नों का समाधान कैसे है, तो इस विषय में हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। यदेतद् हृदयम् मनश्च एतत्, यह जो हृदय है, यह जो अंतःकरण रूप संघात है, यही मन है। संज्ञानम् आज्ञानम् विज्ञानम् प्रज्ञानम्। संज्ञानम् आज्ञानम् विज्ञानम् प्रज्ञानम्, ये सब अभी जो मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार से ज्ञान हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में सभी मिलकर के कार्य कर रहे हैं, गुणों के आधार पर अब वर्णन कर रहे हैं। मेधा दृष्टि, दृष्टिर धृति मतिर मनीषा, सभी विशेष गुणवाची शब्द हैं। वो इस शरीर में किस प्रकार से कार्य करते हैं, उस संघात में, उस चेतना शक्ति के रूप में, उस चेतना शक्ति से प्रेरणा पाकर के इस प्रकार से इसमें वर्णन किया है। च्युति स्मृति संकल्प क्रतु असुह कामो वशा इति सर्वाणि एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। यही सब तो प्रज्ञान के नाम है। प्रज्ञान क्या है? प्रकृष्ट रूप से जो ज्ञान होता है उसी को प्रज्ञान कहा है। और प्रज्ञान इस शरीर में होता किससे है, बात इसकी है, आगे हम देखेंगे। उसी प्रज्ञान को ब्रह्म कहा गया है। इस शरीर के अंदर भी जो जानने की शक्ति है वह भी प्रज्ञान है। और जब हम समष्टि के स्तर पर बात करते हैं, जो विशुद्ध ज्ञान की शक्ति है, उसको प्रज्ञान से संबोधित किया है। तो इसमें किस प्रकार से वर्णन मिलता है, तो एक एक विषय में बहुत ही सुंदर व्याख्याएं इसमें की गई हैं। संज्ञानम, संज्ञानम क्या है? संज्ञान संजप्ति ही चेतन भाव, संजप्ति चेतनता का जो भाव है उसी को संज्ञान कहा है। एक मृत व्यक्ति के शरीर में और एक जीवित व्यक्ति के शरीर में जिन कारणों से भेद है उसी को चेतन भाव है, वह है संज्ञान, चेतनता का भाव। मैं बोल रहा हूं, मैं चेतन हूं, मैं संज्ञान अवस्था में हूं, ऐसे। आज्ञानम आज्ञप्ति ईश्वर भाव,
आज्ञप्ति आज्ञा देना, ईश्वर भाव, प्रभुता का भाव, मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, इस प्रकार से जो अपने होने का बोध होता है हमारे अंदर, जो प्रभुता का भाव होता है, प्रभुता का तात्पर्य कुछ लोग भिन्न अर्थ में ले लेते हैं। हम प्रेम से जो हमसे आगे बढ़े हुए होते हैं उनको भी तो हम प्रभु कहते हैं, आइए प्रभु बैठ जाइए, आइए भगवान बैठ जाइए। इसलिए उसी को कहा ईश्वर भाव प्रभुता, आज्ञा करना इस प्रकार से। यह भी हमारे शरीर में, यह भी हमारे अंतःकरण में, यह भी हमारा ही स्वरूप होता है, हमारे अंदर ही ये गुण होते हैं। हमें अच्छा लगता है, ये क्या है, हमें किसी को आज्ञा देना, आज्ञा मनवाना, और मैं हूँ अपने अस्तित्व का बोध होना, ये क्या है। ये जो भाव है इसी को कहा आज्ञानम, संज्ञानम चेतनता का भाव आज्ञानम। आगे कहते हैं विज्ञानम कलादि परिज्ञानम, कलाओं का ज्ञान, विज्ञान अर्थात कलाओं का ज्ञान। षोडश कला के पुरुष का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। मनुष्य को कहा है कि जो मनुष्य अत्यंत विवेकशील, अत्यंत विचारशील, अत्यंत सर्व कलाओं में निपुण होते हैं, तो इस प्रकार से कलाओं में 16 कलाओं का वर्णन मिलता है। भगवान श्री राम के विषय में कहते हैं कि वह 12 कलाओं में निपुण थे और योगेश्वर श्री कृष्ण 16 कलाओं में निपुण थे। जैसे धनुर्विद्या एक कला है, अध्यात्म विद्या एक कला है, इस प्रकार से उनके जीवन में 16 कलाओं का वास था। कितना पुरुषार्थ घनघोर तप उन्होंने किया होगा उनको अर्जित करने के लिए। आप सोच कर देखें, हम एक छोटी सी स्किल, शब्दों पर विशेष ध्यान दें, स्किल शब्द प्रयोग कर रहा हूं, हम छोटी सी एक स्किल, एक दक्षता प्राप्त करने के लिए वर्षों लगा देते हैं। विषयों का ज्ञान होना एक अलग पक्ष है और उन विषयों में दक्ष होना एक अलग पक्ष है। जैसे परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय श्री स्वामी जी महाराज, श्री आचार्य श्री जी आदि, वो अपने विषयों में दक्ष हैं। पिछले 30-35 वर्षों से लगातार योग प्राणायाम आदि वो करा रहे हैं, एक्सरसाइज आसन आदि करा रहे हैं, आयुर्वेद के विषय में ज्ञान दे रहे हैं, तो आज हम उनको कह सकते हैं कि वो अपने विषयों में पूर्ण रूप से दक्ष हैं, और इतने दक्ष हैं कि उन्होंने स्वयं केवल अपना ही नहीं, वरन इस भारत का ही नहीं, संपूर्ण विश्व में योग और आयुर्वेद का परचम फहरा दिया है, योग को जन आंदोलन बना दिया है। इस देश में कितनी भी बड़ी से बड़ी व्याधियां क्यों न हो, योग से उसका समाधान वैज्ञानिक आधार पर, सार्वभौमिक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है, कर रहे हैं। इसको कहते हैं दक्षता। पूरा जीवन लगाना पड़ता है तब जाकर के आती है दक्षता। एक व्यक्ति जो कोई पढ़ाने में निपुण है, पढ़ाते 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 जीवन में 25-30 वर्ष लग जाते हैं, उसके बाद आती है दक्षता। तो यहां पर जो स्किल की बात कही जा रही है वो दक्षता की बात की जा रही है। कैसे आएगी, वही तो कहा इसमें विज्ञानम कलादि परिज्ञानम, कलाओं का ज्ञान होना, उनमें दक्ष होना, उनके हर विषयों को भली भांति जानना, ठीक ठीक जानना, गुण धर्मों को जानना और उनसे यथा योग्य व्यवहार लेना, ये सभी दक्षता के अंग है। और हमारा तो साहित्य भरा पड़ा है शुद्ध ज्ञान से, शुद्ध कर्म से, ऋषियों के चिंतन से, ऋषियों के द्वारा अनुभूत विषयों का हम स्वयं अनुभव कर सकें, इतने सरल भाषा में ऋषियों ने अपने ग्रंथों की रचना की है मनुष्यों के कल्याण के लिए, इस मानव जाति के कल्याण के लिए। तो यह हमारा परम दायित्व बनता है, परम सौभाग्य हमारा है कि हम इस कालखंड में हैं, उन ऋषियों के सामीप्य में हैं, उस ऋषि धरा पर हैं जहाँ पर आप सभी ऋषियों ने तप किया है, और आपके तपोमयी जो आशीर्वाद हैं वो सभी हमें सहज प्राप्त हैं, उपलब्ध हैं। हमें तो केवल आध्यात्मिक उन्नति की ओर कदम बढ़ाना है, अपने संकल्प को प्रबल करना है, उसमें विकल्प का कोई स्थान नहीं आने देना है, प्रगति तो निश्चित है। कहा विज्ञानम प्रज्ञानम प्रज्ञप्ति ही प्रज्ञता प्रज्ञान,
प्रज्ञानम, प्रतिभा, जो प्रतिभा हमारे अंदर होती है, समय विशेष पर, आवश्यकता विशेष पर बुद्धि का स्फुरित हो जाना, उसको प्रतिभा कहा गया है। शाब्दिक अर्थ इसका है प्रज्ञानम का, प्रकृष्ट रूप से ज्ञान होना, जहां आवश्यकता पड़े वहीं बुद्धि आकर के हमें समाधान प्रस्तुत कर दे। ये कोई छोटी बात है? इस जीवन में कितने बड़े बड़े विषय आते हैं, मनुष्य किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसको सत्य असत्य का बोध नहीं रहता, उसको यह ज्ञान नहीं होता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ ऐसे गलत निर्णय ले सकता है, ले लेता है, अपने जीवन का नाश कर देता है। इस संसार की सर्वोत्तम कृति, इस समष्टि की सर्वोत्तम कृति, इस मनुष्य जीवन को नष्ट कर देता है। उसके जीवन में उसको सामने केवल अंधेरा अंधेरा सा दिखने लगता है, प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देती। वर्तमान समय में उसको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं दी जाती हैं। प्रज्ञान, यदि हमारे पास प्रज्ञान रूपी धन है, और वो है, और वो है, ये विश्वास कीजिए, ऋषि कह रहे हैं प्रज्ञानम, ये है हमारे पास। और हमारे पास है तो कहां है वह गुप्त धन, कहां पर है वह? हमने अपने अपने जो भी लालच रूपी, जो भी अज्ञान रूपी, जो भी कार्य हैं, कर्म हैं, उन सब से उसको ढक रखा है, उस आवरण को हटाकर फेंक देना है और प्रज्ञान रूपी धन को अपना लेना है, जो आवश्यकता पड़ने पर हमारे काम आने वाला है, हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान करने वाला है। युवा, छोटी छोटी सी बातें, जीवन में सफलता असफलता, परीक्षा में पास होना फेल होना, नंबर कमाना, इन छोटे छोटे विषयों में आकर के भी किसी ने किसी को कुछ बुरा भला कह दिया, सब कुछ नष्ट कर देते हैं, अपने जीवन को ही नष्ट कर देते हैं। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। वो दया के पात्र हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि उन सबको भी इन शास्त्रों का ज्ञान अवश्य दें। वो अभीप्सा तो करें, ज्ञान तो प्रकट हो जाता है। इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट देन द टीचर विल डेफिनेटली अपीयर बिफोर यू। यू जस्ट ट्राई टू बी अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छे शिष्य बनने का अभ्यास तो कीजिए आप। ये भगवान जी की प्रतिज्ञा है, वो कहते हैं कि आप एक अच्छा शिष्य बने, मैं गुरु के रूप में तो आपके सम्मुख प्रकट हो ही जाऊंगा। वो हमारा मार्गदर्शन करने आ ही जाएंगे, किसी ना किसी निमित्त से आ जाएंगे, आप शिष्य तो बने। वो कहते हैं ना कि एक भगवान जी का बड़ा शिष्य था, बड़ा हठी शिष्य था, और बाढ़ आ गई गांव में बाढ़ आ गई, सब जाने लगे कि चलो जी चलो, बाढ़ आ गई चलो। तो उसने कहा मेरे भगवान जी मुझे बचाने आ जाएंगे, मुझे कोई डर नहीं है, बाढ़ आ गई, सारे चले गए, गांव का गांव बहने लगा, वो भी मझधार के बीच में आ गया और कह रहा है कि भगवान जी आप आइए मुझे बचाने। हट ही इतना कि भगवान जी को ही आना पड़ेगा। थोड़ी देर में एक नाव वाला आया उधर से, उसने कहा भैया आ जाओ। उसने कहा आप जाइए, भगवान जी आएंगे मेरे लिए, मुझे लेने। उसने कहा भैया आप चले ना, नहीं गया। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर से ऊपर से रस्सी डाली गई, हेलीकॉप्टर जा रहा था, उन्होंने देखा एक व्यक्ति बह रहा है, उन्होंने रस्सी डाली, कहा कि भैया इसको पकड़ लो जल्दी से, नहीं तो आगे जाके और झरना सा बन रहा है, बहुत तेजी से पत्थरों में जाकर टकराओगे, जीवन का नाश हो सकता है, आ जाओ जल्दी। कह रहे मुझे आपके साथ नहीं जाना है, मेरे भगवान जी आएंगे मुझे। एक जिद लगा ली, दुराग्रह की, होना क्या था, कोई नहीं आया, चले गए, प्राणों का अंत हो गया। फिर ऊपर गए स्वर्ग में, स्वर्ग में जाकर, चूंकि भगवान जी के भक्त थे तो भगवान जी तो अपने भक्तों पर करुणा करते हैं, एक दृष्टांत दे रहा हूं,
तो स्वर्ग में चले गए, भगवान जी के पास गए, बड़े नाराज कि मैंने आपकी इतनी सेवा की, इतना आपका अनुनय विनय करता था, इतनी पूजा पाठ करता था, इतना महिमा मंडन करता था, और आप तो मुझे बचाने भी नहीं आए, मैं तो आपको पुकारता रहा। तो भगवान जी मुस्कुराए और कहा, आपने अपनी हठ में तो मेरे प्रेम स्वरूप को देखा ही नहीं, मुझ नाविक बनकर आया था वो भी मैं ही था, हेलीकॉप्टर से जिसने आपके लिए वो रस्सी डाली थी वो भी मैं ही था, आपको बचाने के लिए मैं तो बार बार आया, आप ही तो नहीं पहचान पाए। तो ईश्वर तो आते हैं, भगवान तो आते हैं, किस रूप में आए ये हमें पहचानना होता है। जब संकट काल होता है तो वो संकट मोचक बनकर आते हैं, संकट को उबार देते हैं, गुरु के रूप में आते हैं, आचार्य के रूप में आते हैं, हमारे अच्छे मित्रों के रूप में आते हैं, सुहृद होकर के आते हैं, ज्ञान के रूप में आते हैं, प्रज्ञान के रूप में आते हैं, विज्ञान के रूप में आते हैं, अज्ञान के रूप में आते हैं, सब रूपों में वो आते हैं। वो हमें बताते हैं कि अपने सज्ञान रूपी स्तर से ऊपर उठ जाएं, और जब जो भी आवश्यकता हो मुझे स्मरण तो करें, मैं तो सदैव आपके साथ हूं, आपके अंतरतम की गहराइयों में विद्यमान हूं, आपके सबसे निकट हूं, जहां कोई नहीं हो सकता वहां भी मैं हूं, इस जन्म से पहले भी मैं हूं, इस जन्म के बाद भी मैं हूं, जब तक आपका अस्तित्व है तब तक मैं हूं, आपका सच्चा सखा सच्चा मित्र मैं हूं। ईश्वर तो ऐसे ही कहते हैं। बात तो है हमें पहचानने की, हम उनको जाने, तो वो कह रहे हैं प्रज्ञानम, प्रज्ञान बुद्धि का, मेधा का, उस प्रतिभा का प्रकट हो जाना जब आवश्यकता हो। परम श्रद्धे श्री गुरुजी महाराज कहते हैं कि हम सत्संग को क्यों सुने। एक साधक ने प्रश्न किया कि हम सत्संग को क्यों सुने, सुन तो ली वही तो बातें कि असत्य मत बोलो, प्रेम से रहो, क्रोध मत करो, यही सब तो बातें हैं। तो अगर कोई साधक इस प्रकार की बातें करता है तो क्या कहते हैं, तो यही तो कहा जाता है। तो साधक ने कहा कि यही तो बातें आप बार बार बताते हो कि असत्य मत बोलिए, सबसे प्रेम से रहिए, करुणा कीजिए, विधि निषेध का पालन कीजिए, विधि में प्रवृत्त हो, निषेध में प्रवृत्त ना हो, और क्या है। तो परम श्रद्धेय श्री गुरु जी महाराज कहते हैं कि सत्संग से, स्वाध्याय से जो हमें ज्ञान मिलता है वो हो सकता है उस समय, उस क्षण आपको उसकी आवश्यकता ना हो, उस समय आपके चित्त की स्थिति अत्यंत सात्विक हो, उस समय आपके मन में कोई भी अशुभ विचार का लेश मात्र अंश भी ना हो, लेकिन लेकिन कभी कोई अनुकूल आलंबन मिलने पर, कभी हमारे मन में विकार उत्पन्न होने पर, कभी किसी क्षण कुछ भी अशुभ उत्पन्न होने पर, कभी भी हमारे थोड़े से प्रमाद के कारण, थोड़ी सी अजागरूकता के कारण यदि कोई गलत विचार आ भी जाता है, तो ये सत्संग रूपी ज्ञान की गंगा जो एंटीडोट का काम करती है, ये हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंतःकरण में विद्यमान रहती है, और जैसे ही कोई अशुभ हमारे सामने आएगा तो पूर्व श्रुत ज्ञान के आधार पर जो रेमेडी, जो औषधि, जो डिवाइन थिंग्स, जो भी अच्छी दिव्य चीजें हमने ग्रहण की हैं, दिव्य ज्ञान हमने ग्रहण किया है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो सामने आ जाता है और उस विकार को नष्ट कर देता है, भस्मीभूत कर देता है और हमें उस अशुभ कर्म से बचा लेता है। हम अपने जीवन में कभी भी कोई अशुभ आचरण, कोई गलत आचरण, कोई गलत कर्म नहीं कर पाते हैं, किसके कारण से, उस दिव्य ज्ञान के कारण से, जो दिव्य ज्ञान हमें हमारे इन सब ऋषियों से मिला है, सभी स्वाध्याय करने से मिला है, गुरुजनों के सामीप्य में बैठने से मिला है, उनकी करुणा, उनकी कृपा हमारे ऊपर है और हम अशुभ से बच जाते हैं। तो कहा प्रज्ञान, वो बुद्धि, वो मेधा प्रकट हो जाती है और हमें अशुभ से बचा देती है। तो इसलिए सभी को उचित है कि यदि हम मनुष्य हैं, और हम हैं ही मनुष्य, यदि क्यों लगाया, तो कुछ मनुष्य मनुष्य होकर के भी मनुष्य नहीं है, कुछ मनुष्य मनुष्य होकर के भी मनुष्य नहीं मानते स्वयं को, उनके कार्य देखिए, उनका आचरण देखिए, पशुवत समाज में,
समाज में सभी कहते हैं कि इनका जीवन तो निरर्थक है, ये तो पशुवत है, इनका तो इस संसार में होना दुष्कार्य है, माने इनका तो संसार में होना भी एक तरह से बोझ है, ऐसा बोल देते हैं। ऐसा क्यों है? आप देखिए जो लोग इतने बुरे बुरे कर्म करते हैं उनके विषय में ऐसी बातें बोली जाती हैं, तो वो मनुष्य थोड़े हैं, पशु है, राक्षस है। कोई राक्षस होने के लिए अलग से दो चार सींग लगा करके, दांत बाहर निकाल करके जो ऐसे दिखाते हैं नाटकों आदि में, अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन करते हैं, उसका तात्पर्य क्या है? उसका यही तो तात्पर्य है कि हमें इन बातों का पता चल जाए। एक प्रदर्शन करते हैं कि देखिए इस प्रकार से जो व्यक्ति होते हैं वो असुर वृत्ति के होते हैं, कि जिनके जीवन में अशुभ अधिक होता है और जो सदैव अशुभ का आचरण करते हैं उन व्यक्तियों के विषय में ऐसी बातें कही जाती हैं। तो ये सब बातें इसमें चल रही हैं, प्रज्ञान के विषय में बताया। अब आता है प्रज्ञानम प्रज्ञम्ति प्रज्ञता मेधा, मेधा शक्ति। मेधा सूक्त वेदों में आता है, ओम या मेधा देवगण पितरश्च पासते, और सब कि मैं उस मेधा को पालूं। जो मेधा हमारे पिता पिता का विषय, मेरे पिता नहीं, हमारे पिता यानी हमारे पिता पिता महर्षि जिस मेधा को पाते थे, जिस मेधा की कामना करते थे, जिस मेधा बुद्धि की उन्होंने उपासना की है, उसको प्रकट किया है अपने अंदर, वो मेधा बुद्धि मुझे अभी इसी क्षण चाहिए। ऐसे ओ मेधाम मे वरुणो ददातु मेधाम अग्नि प्रजापति मेधाम इंद्रश्च वायुश्च मेधाम धाता ददातु। उस मेधा की कामना हम करते हैं, तो मेधा सूक्त के अंदर बहुत सुंदर सुंदर मेधा सूक्त के विषय में बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार से इस मेधा बुद्धि को जागृत किया जाता है। मेधा क्या कहा? धातु पाठ में भी, व्याकरण में भी, मेधा आशु ग्रहण, जो बहुत तीव्र ग्रहण करने की क्षमता होती है उसको मेधा कहते हैं। एक ऐसा भी शास्त्रीय व्याख्या क्या है? ग्रंथ धारण सामर्थ्यम, ग्रंथ को धारण करने की जो क्षमता होती है, माने जो हम शास्त्र याद करते हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सभी के वर्तमान समय में परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी और आचार्य श्री जी के परम पुरुषार्थ से पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय जैसे विशेष विद्या के कार्य के लिए संस्थाएं आगे आ रही हैं, कार्य कर रही हैं शिक्षण संस्थाएं, उसमें भी पतंजलि गुरुकुलम विशेष रूप से छोटे छोटे बच्चों से लेकर के 3 वर्ष के बच्चों से लेकर के उसमें प्रवेश लेते हैं और बच्चों को प्रारंभ से ही दिव्य वातावरण देते हैं, जिस दिव्य वातावरण की कामना शास्त्रों में वेदों में की गई है, जिस दिव्य आलंबन की कामना शास्त्रों में की गई, शास्त्र का आलंबन, गुरु का आलंबन, आचार्यों का आलंबन, और गुरु भी कैसे आचार्य भी कैसे, वो विरक्त सन्यासी जिन्होंने इस राष्ट्र कल्याण के कार्यों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, वो विरक्त आचार्य जो प्रतिदिन प्रतिपल पुरुषार्थ करते हैं एक परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इस राष्ट्र को वैभवशाली बनाने के लिए, इस राष्ट्रीय परंपरा वैदिक संस्कृति के उत्थान के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, उनके आंचल में पलते हैं वो शिशु। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी आचार्य श्री जी का सीधा संवाद उनसे होता है, उनके आशीषों की पावन छाया में बढ़ते हैं आप सभी के रत्न जो पढ़ रहे हैं गुरुकुलों में। अष्टाध्यायी धातु पाठ, पंचपाणिनी जैसे पूरे ग्रंथ, व्याकरण के जो क्लिष्ट से क्लिष्ट ग्रंथ हैं, 5-5, 6-6 साल की आयु में भी याद कर रहे हैं, वेदों में निष्णात हो रहे हैं, याद कर रहे हैं, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, दर्शन, जो मूल ग्रंथ हैं हमारे रामायण महाभारत, उनको याद कर रहे हैं इस मेधा के कारण से, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सभी आचार्य, उनके श्री चरणों में भी बहुत ही विनम्रता से, कृतज्ञता से कोटिशय प्रणाम करते हैं, जो प्रतिपल प्रतिक्षण उन बच्चों के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। तो क्या निर्माण नहीं होगा? बिल्कुल निर्माण होगा आने वाले समय में, और हो रहा है। इस वैदिक संस्कृति की संरक्षण और संवर्धन का कार्य
पतंजलि योगपीठ, पतंजलि गुरुकुलम आदि के माध्यम से, शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से भी हो रहा है, और अन्य भी बहुत सारे प्रकल्प हैं, संस्थान हैं जो चल रहे हैं, जो भिन्न भिन्न आयामों से आर्थिक पक्षों को लेकर के भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बिना अर्थ के तो धर्म की रक्षा बड़ी मुश्किल है। तो इसीलिए सभी से निवेदन है कि अपने इस जीवन को सफल बनाएं। अब जो जिस आश्रम में हैं, ठीक है, आपने जिस आश्रम को चुन लिया है, कुछ कहते हैं कि जी अब हम गृहस्थ बन गए, अब सन्यासी बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप गृहस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं, उसको सदगृहस्थ बने और ठीक से अपने राष्ट्र कल्याण के कार्य को करें, अपने आत्मिक चेतना के स्तर को ऊपर की ओर लेकर जाए, ऊर्ध्वारोहण करें, जैसे जिस भी हाल में हो संतोष करना सीखे और पुरुषार्थ को बढ़ाए, पूर्ण पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। कैसा पुरुषार्थ? ज्ञान और भक्ति पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सादत्य ही सफलता का मूल मंत्र है। इस महावाक्य को सदैव स्मरण रखें। इससे अगले विषय को अगले अंक में लेंगे, क्योंकि इस शरीर में प्रज्ञान रूप में जो शक्तियां कार्य कर रही हैं वो कई प्रकार से हैं। अभी हम शरीर के स्तर पर बात कर रहे हैं, इसमें भी अभी बहुत सारे गुणों का वर्णन बाकी है। इसके बाद समष्टि स्तर पर उस प्रज्ञान की बात करेंगे, वो किस प्रकार कार्य करता है। आप सभी के जीवन में खुशियां हों, सभी प्रसन्न हों, सभी के जीवन में आध्यात्मिक आरोहण हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को नमस्ते। ओ